दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन लगने जा रहा है इस साल का पहला सूर्य ग्रहण। इन छह राशि वालों की चमक जाएगी किस्मत, सूर्य के समान चमकेगा इन छह राशियों का भाग्य। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय सूर्य नमः। दोस्तों मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इतिहास में पहली बार 172 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जिसके बाद सोमवार के दिन यानी कि 8 अप्रैल के दिन जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है उसके तुरंत ही बाद इन छह राशि वालों की किस्मत इस प्रकार से चमकने जा रही है। इन छह राशि वालों को अपने जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत ईश्वर की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों के अनुसार इन छह राशि वालों का भाग्य पूरी तरह से बदलने जा रहा है। न केवल इनके नवग्रह इनका साथ देना शुरू कर देंगे बल्कि इनके जीवन में इनको अपार खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन छह राशि वालों के जीवन में धन की वर्षा होगी। इनके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इनके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब ये छह राशि वाले इस सूर्य ग्रहण के बाद जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ इनको फायदा पहुंचेगा। कैरियर कारोबार में अचानक से इनको उन्नति देखने को मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अब इन छह राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण के बाद करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 8 अप्रैल को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी राशि वाले वह कौन से ऐसे छोटे से उपाय कर सकते हैं, जिन उपाय को अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो न केवल आपको अपने जीवन की सभी समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि धन दौलत ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में अगर आप ये गलतियाँ कर देते हैं तो आपके जीवन में आपकी दुख परेशानी दरिद्रता का सामना आने वाले समय में जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया, आपका व्यापार चौपट हो गया, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, या आपकी कैसी भी परेशानी है, अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से जरूर मुक्ति मिलेगी। और वह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। फिर हम इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, जिनको भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस महासूर्य ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा जो कि 8 अप्रैल चैत्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। ऐसा ग्रहण तब लगता है जब सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आना पूरी तरह से रुक जाता है। इस दौरान जो सूर्य होता है वह पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है जिसकी वजह से धरती पर अंधेरा छा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान जितनी भी देवी शक्तियां होती है उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल की रात को 9:12 से शुरू होगा। इसका समापन रात्र में 2:22 पर होगा। इस ग्रहण का अंतराल तकरीबन 5 घंटे तक होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण एक खगोली घटना होती है यानी कि इस दौरान किए गए उपाय खाली नहीं जाएंगे, उस उपाय का पलट करके आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। और जब भी
दोस्तों सूर्य ग्रहण लगता है तब सूर्य ग्रहण अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। और अगर आप सूर्य राशि के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि सूर्य राशि एक व्यक्ति भाग्य से संबंध रखती है, यानी कि जिस व्यक्ति की भी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी होती है उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। और इस बार जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा तुरंत ही 6 राशि वालों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान वह कौन से आप उपाय कर सकते हैं। जिस उपाय को अगर आप करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। तो दोस्तों जितनी देर भी सूर्य ग्रहण लगा रहेगा इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, ना तो आप लोग घर पर खाना बनाइएगा ना खाना खाइएगा, शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है। दूसरा, घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जितनी भी देर सूर्य ग्रहण का अंतराल चलता रहेगा उतनी देर आप कंघी बालों में इस्तेमाल मत कीजिएगा। यह हमारे वेद पुराणों में बहुत ही अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण जितनी देर भी लगा रहेगा दोस्तों उतनी देर अपने घर में आप लोग कैंची चाकू और नुकीली चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी मत कीजिएगा, वरना इसका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो सूर्य ग्रहण के दौरान भूलकर भी आप लोग शारीरिक संबंध मत बनाइएगा, वरना इससे आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिसको आप लौटा नहीं पा रहे हैं, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो सूर्य ग्रहण जैसे ही रात्रि में 9:12 पर शुरू होगा उस दौरान आपको सिर्फ एक लाल कपड़ा लेना है, उस लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग अपने दाहिने हाथ से डाल देना है, इस कपड़े की पोटली बनाइएगा और अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को आपको इसी पोटली को ले जाकर किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षु को आपको दान कर देना है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा, वह दोष अपने आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपने कष्टों से जरूर मुक्ति मिल पाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो सूर्य ग्रहण के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता, जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को काले जादू का असर ना हो, आपके घर के लोगों को अगर बाहर के लोग काली विद्या बंधन करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका असर आपके घर में लोगों पर ना पड़े, तो बस एक काम कीजिए, इस सूर्य ग्रहण वाले दिन एक नारियल खरीद लीजिए। जैसे ही सूर्य ग्रहण रात्रि में शुरू होता है उस नारियल को घर के प्रत्येक सदस्य के माथे पर आपको टच कर लेना है और इस नारियल को घर के पूजा घर पर रख देना है। अगले दिन इसी नारियल को ले जाकर आपको किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल आपके घर पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करवाने की कोशिश करेगा उसका असर आपके ऊपर कभी नहीं होगा। दोस्तों तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ कि अगर सूर्य ग्रहण के अगले दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर पर यानी कि सदाबहार का पौधा ले आता है तो उस व्यक्ति के घर पर हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप ये बात नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का वास होता है। तो सिर्फ आपको यह करना है दोस्तों, 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग रहा है और 9 अप्रैल को आपको एक सदाबहार का पौधा लाना है और आपको अपने घर के किसी भी पूर्व दिशा में स्थापित कर देना है और प्रतिदिन इसको जल देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस सूर्य ग्रहण के बाद हमेशा आपके घर पर बना रहेगा और आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहली राशि जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है वह है
मकर राशि। अगर आप मकर राशि के हैं तो सूर्य ग्रहण के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में अगर आप किसी नौकरी के लिए बहुत परेशान थे, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल पाएगी। भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक ऐसा उजाला होने जा रहा है जिसके बाद आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के अंधकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद सूर्यदेव की जी की कृपा आने वाले समय में आप पर पूरी तरह से बनी रहेगी। अगली खुशनुमा राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद बड़ा पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में यानी कि जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान सूर्य देव की आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और अगर आप इस सूर्य ग्रहण के बाद तुला राशि वाले कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार में सिर्फ उनको सफलता देखने को मिलेगी। उनका व्यापार यानी कि घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। आपको राजनीति में लाभ होगा। आपके विरोधी आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। समाज में मान सम्मान भी आपकी वृद्धि होगी। मार्केट में अटका हुआ फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। अगर आप मार्केट में कोई पैसा लगाएंगे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। जो संपत्ति आपकी बिक पा नहीं रही थी, इस सूर्य ग्रहण के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी जो संपत्ति बिन यानी कि नहीं मिल पा रही थी या फिर आप कोई रुकावट आ रही थी तो आराम से बिक जाएगी। जैसे कोई जमीन प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही थी तो बिकेगी और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। अगर आप मेष राशि के हैं तो लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। मेष राशि वालों के जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद एक चमत्कारिक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जिस संपत्ति को खरीदने के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे वह संपत्ति भी आपकी होने जा रही है। आपके जीवन में ऐसे योग बन रहे हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी शादी हो सकती है। मेष राशि वालों के लिए जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद आकस्मिक धन का लाभ होगा। इनको प्राप्ति होगी। लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं और इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आप सिंह राशि के हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी नौकरी लग जाएगी। राजनीति में लाभ होगा आपको जरूर और समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। मनचाही संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है। अगर आप विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे हैं वह सपना भी आपका सूर्य ग्रहण के बाद जरूर पूरा हो जाएगा। भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आने वाले समय में आपको धन संबंधित कई प्रकार के फायदे होने वाले हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो धन आने के इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। जमीन प्रॉपर्टी से लाभ होगा। बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलेगा। कई महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। लंबे समय से अटके हुए कार्य भी पूरे होंगे। तो दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण में इन राशियों को भगवान सूर्यदेव और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने जा रही है क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण में कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी राशि का हाल जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में लिखेगा जय सूर्यदेव।